देव की जय। मुनि श्री शिवानंद जी, मुनि श्री भीष्मानंद जी की जय। जयनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। नाउ इस बार की स्टोरी वसुनंदी जी ने ही लिखी है। ये वाली स्टोरी जनरल नॉलेज की है, धार्मिक नहीं है। आप सभी ने स्टोरी ध्यान से सुननी है और क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में सेट करने हैं। और जो पहली वाली स्टोरी शुभम चक्रवर्ती की थी, उसके आंसर्स और विजेता आपको लास्ट में ही मिलेंगे। स्टोरी का नाम है भाग्य और पुरुषार्थ। एक किसान अपने चार बेटे और दो बेटियों के साथ रहता था। सबसे बड़ा बेटा सरपंच था, उससे छोटा बेटा व्यापारी था, उससे छोटा बेटा ब्लाइंड था और सबसे छोटा बेटा पुजारी था। एक दिन व्यापारी की वाइफ ने उससे बोला कि सारे घर में जो भी रुपया है, जो भी खाना है, सब कुछ तो आप ही कमा कर लाते हो, ये तीनों भाई किस काम के हैं? सबसे बड़ा बेटा सरपंच होने के नाते भी कुछ नहीं लाता, तीसरा तो ब्लाइंड है, वो कर भी क्या सकता है, और चौथा पुजारी, वो तो उल्टा पैसे खर्च ही करता रहता है। ऐसा करते हैं, कुछ दिनों के लिए अपना घर ही चेंज कर लेते हैं, तभी इन्हें पता चल जाएगा कि कितने हम इन्हें रुपए देते हैं, और ये भी पता चलेगा कि अब हमें ये भी पता चल जाएगा ना कि ये लोग कितना खुद करते हैं। तो बात मान ली और अपने पिताजी से ये बात बोल दी। पिताजी ने कहा, अलग होने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग एक तीर्थ यात्रा पर जाएं। वो 14 लोग हो गए थे, क्योंकि चार बेटे, चार वाइफ, दो बेटियां, माता पिता और उनकी 2 बुलक कार्ट्स। एक दिन फिर जब वो तीर्थ यात्रा के लिए गए, तो सबसे पहले पिताजी ने सबसे बड़े बेटे को खाने की व्यवस्था करने के लिए कहा और उसे 100 रुपए का नोट दे दिया। अब 14 लोगों का खाना 100 रुपए में कैसे होगा? वो चला गया खाना लेने के लिए। तभी वहां उसने देखा कि एक लेडी बोल रही है मेरा नेकलेस चोरी हो गया, और दूसरी लेडी बोल रही है कि मैंने नहीं चुराया है नेकलेस। तो उसने देखा, जहां वो बातें चल रही थी वहां एक छोटा सा होल था। उसने थोड़ा सा उसे खोद कर देखा, तो उसमें से एक नेकलेस बाहर आ गया। तो फिर जिस लेडी का नेकलेस खोया था, उसने से बोला, ये तो 5000 रुपीज, तुमने मेरा नेकलेस ढूंढ दिया। फिर जिस पर इल्जाम लगा था, उसने भी उसे 5000 दे दिए कि तुमने मेरा इल्जाम हटा दिया। अब उसके पास 10000 रुपीज हो गए। तो सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना आ गया, सबने बड़े आराम से उस खाने को खाया। अगले दिन पिता ने व्यापारी को 100 रुपए का नोट दे दिया। व्यापारी ने जाकर उससे गेहूं खरीदा, फिर उसने उसे बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, और ऐसे कलेक्ट करते करते उसके पास सिर्फ 400 रुपीज ही आए। फिर उसने उसी से बस थोड़ी सी दाल, रोटी और सैलरी लेके चला गया। अगले दिन जो ब्लाइंड था उसको मिले, उसकी वाइफ तो ठीक थी, तो वो दोनों चले गए। क्या होता है, जो वो ब्लाइंड था उसका पैर एक पत्थर पर लगा और वो गिर गया। उसने अपनी वाइफ से बोला कि ये पत्थर हटा दो, मैं तो गिरी गया और कोई ना गिर जाए। उसने जैसे ही पत्थर हटाया, तो उसमें से बॉक्स निकला जो गोल्ड से भरा हुआ था। देखो, गोल्ड की कॉइन से। फिर वो लोग उस बॉक्स को उठाते हैं और अपने पेरेंट्स को दे देते हैं कि ये लो आराम से, बहुत टेस्टी टेस्टी खाना आप ले लो और खा लो। तो सब लोग बहुत हैप्पी हो जाते हैं। फिर चौथे नंबर के बेटे की बारी आई। चौथे नंबर के बेटे को भी 100 रुपीज मिल गए, फिर पिताजी ने उसे दे दिए। अब जब उसको पूजा पाठ में इतना इंटरेस्ट था, तो उसने अष्ट द्रव्य ले लिए, उसकी सामग्री कर ली और वो तो पूजा करने बैठ गया। वो 2-3 आवर्स तक पूजा ही करता रहा। तो वहाँ के जो मंदिर के देव थे, वो बड़े प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने क्या करा, बहुत बड़े ट्रक्स के अंदर रुपीज, क्लोथ्स, खाना, सब कुछ दे दिया और उनके घर पहुंचा दिया। फिर अब जब उसकी पूजा से वो उठा,
तो उसे याद आया मेरे 100 रुपीज तो सारे खर्च ही हो गए, मैं क्या दूंगा अपनी फैमिली को। तो बेचारा बहुत ही परेशान होता होता घर गया। उसने कहा पिताजी मैं कुछ भी नहीं ला पाया। पिता ने कहा तो इतने बड़े ये ट्रक्स किसके नाम से आए हैं, उन्होंने कहा कि तुमने भिजवाए हैं। उसकी आईस ऐसी हो गई जैसे उसे दोष पता ही ना। उसे उतना शॉक हो गया कि मैंने तो ये सब कुछ भिजवाया ही नहीं। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का ही हमारे जीवन में बराबर ही महत्व होता है। नाउ अब इस स्टोरी और हम तो जब इन दोनों को बराबर ही महत्व देते हैं तो हमको अपने जीवन में सच्चा सुख प्राप्त होता है और उसके बाद से किसी ने भी अलग होने की बात ही नहीं करी। नाउ अब स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे बड़े बेटे को कितने रुपए दिए गए थे। सेकंड क्वेश्चन, किसान के कितने बेटे व बेटियां थी। थर्ड क्वेश्चन, सबसे छोटे बेटे को पूजा के फल स्वरूप क्या मिला। नाउ अब पहली वाली स्टोरी शुभम चक्रवर्ती की थी, उसके आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन का आंसर है उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। उनकी ऊंचाई 21 धनुष थी क्योंकि उस बात बच्चे ने जन्म लेते ही भूमि को छुआ था इसलिए उनका नाम शुभम चक्रवर्ती पड़ा और उनके शेफ का नाम जय सिंह था। अब विजेता की बारी है। विजेता का नाम है प्रभाकर जैन दिल्ली। नाउ अब मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए